राम मंदिर का जो मामला है बड़ा जोर शोर से हम उठाएंगे और उठाएंगे नहीं, हम इस समस्या का समाधान करेंगे, हल करेंगे, चाहे और कानून की दृष्टि से करेंगे, कानूनी करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो फिर और आगे भी कदम उठाएंगे। तो इसीलिए हमने कहा ना जो जो परिस्थिति होगी उस हिसाब से काम करेंगे। वो क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टियों का भी ये कहना है कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब आपको उनकी याद आती है और चुनाव वो गलत कहते हैं। हम राम मंदिर तो हमारे एजेंडे में सदा सर्वदा रहा है और आगे भी रहेगा। जब तक भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ नहीं हो जाता है तब तक इस प्रकार की चीजें चलती रहेंगी। ढांचा गिराए जाने की बात जो आपने कही थी, क्या कुछ अचानक से ऐसा आप फैसला ले सकते हैं जनता की भावना को देखते हुए, क्या कुछ ऐसा बीजेपी कर सकती है? नहीं, बीजेपी का करना तो साधु संतों को है, बाकी लोगों को करना है, जनता को करना है। बीजेपी तो उसमें सहयोगी बनेगी, हम सहायक करेंगे, जो जो उसमें निर्णय हो सकता है वो काम करेंगे, क्योंकि हमने कहा है कि कानूनी हम बाधाएं दूर करेंगे। तो कानूनी बाधाएं जितनी हैं वो कानून के हिसाब से उसको हम दूर करेंगे। राम की जन्मभूमि अयोध्या है, ये जन जन में लोगों को मालूम है। कब बनेगा, कहां बनेगा, कैसे बनेगा, ये समय बताएगा। लेकिन राम मंदिर भारत में नहीं बनेगा, अयोध्या में नहीं बनेगा, तो क्या पाकिस्तान में बनेगा?